दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों लगभग 10,000 से ऊपर अप्रेंटिसशिप को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और बहुत से जोन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ भी है और लगभग 5 से 6 हजार अप्रेंटिसशिप है जो डिसक्वालिफाई हो गए हैं। वह कटअप को नहीं पार कर पाए थे, वह कटअप से एक दो नंबर पीछे रह गए थे, तो उनका रेलवे ग्रुप डी में नहीं हुआ है। तो अब सवाल बनता है, जो 5,000 अप्रेंटिसशिप अभी है उनका क्या होगा? तो अभी हाल फिलहाल जो एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री आशीष मिश्रा जी हैं, वह माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी से मिले हैं और फेस टू फेस उनसे बात किए हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आशीष मिश्रा जी ने शिव गोपाल मिश्रा जी को यह बात बताया कि सर, जो बचे हुए अप्रेंटिसशिप है उनका भी कोई उपाय लगाइए और उनको भी ज्वाइनिंग दिलवाइए, और हो सके तो सर जो सेकेंड लिस्ट है वह सेकेंड लिस्ट आप निकलवाइए और उस सेकेंड लिस्ट में एक दो नंबर घटा करके जितना भी कटअप है उससे एक दो नंबर घटा करके आप सेकेंड लिस्ट निकलवाइए ताकि जो बचे हुए अप्रेंटिसशिप है सभी को ज्वाइनिंग मिल सके। तो दोस्तों यह सही बात है कि जिस प्रकार ओपन के छात्रों के लिए वेटिंग लिस्ट की मांग हो रही है, उसी प्रकार से अप्रेंटिसशिप के लिए भी सेकेंड लिस्ट की मांग होनी चाहिए, यह उचित मांग है। और अप्रेंटिस वाले को सेकेंड लिस्ट देने के लिए इस पे जो आशीष मिश्रा जी है वह शिव गोपाल मिश्रा जी से बातचीत किए हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर सेकेंड लिस्ट देता है तो सभी अप्रेंटिसशिप का ज्वाइनिंग जरूर होगा। दोस्तों मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि सेकेंड लिस्ट दिया गया है, सेकेंड लिस्ट की मांग हो रही है। आप लोगों से भी आग्रह है, जितने भी अप्रेंटिसशिप है जिसका सिलेक्शन हुआ है वह भी, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वह भी, सेकेंड लिस्ट के लिए आवाज उठाइए। और मिश्रा जी के तक यह बात आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाइए कि सर सेकेंड लिस्ट दिलवा करके हम बेरोजगार अप्रेंटिस को नौकरी दिलवा दीजिए। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है, आगे देखना है कि रेलवे के द्वारा इस मांग को माना जाता है या नहीं माना जाता है। अगर मान लिया जाता है तो अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।